बैजनाथ में सभी 105 बूथों में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। शुरू में मतदान धीरे धीरे चला, लेकिन अभी तक मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल ने अपनी पत्नी जोगिंद्रा देवी सहित अपने बूथ पर सबसे पहले सुबह 8 बजे ही मतदान किया। वहीं पालमपुर के भाजपा प्रत्याशी इंदु गोस्वामी ने अपने बूथ अवाहीनाग बैजनाथ के स्कूल में आकर मतदान किया। गौरतलब है कि विधानसभा बैजनाथ 20 के 105 बूथों में 28 बूथ अति संवेदनशील हैं, जबकि 24 बूथ संवेदनशील हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर सीआरपीएफ की दो पलाटूने भी यहां पहुंच चुकी हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है तथा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य बाजार में किसी भी तरह की गतिविधि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। इस चुनाव में पहली बार दो महिला बूथ भी विधानसभा में लगाए गए हैं। ये बूथ पपरोला कोटी व अवेरी में लगाए गए हैं। मतदान केंद्र कस्बा बैजनाथ 78 में पोल किया है, और जो हमारे चुनाव आयोग ने इस बार सिस्टम बनाया है बहुत बढ़िया है। लोगों को कोई परेशानी नहीं है और लोग अपने मत का प्रयोग आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जनता की सहूलत के लिए काफ़ी कदम उठाए। पोल खेलने वाला है बैजनाथ में भी, पालनपुर में भी, पूरे प्रदेश में, और मोहम्मद से कमल का फूल खिलेगा। अगली बार पालनपुर में होगा, कमल के लिए डाला है, जहाँ भी होगा कमल का फूल खिलेगा।